सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बहुत दिन बाद एक और व्लॉग बना रहे हैं, क्योंकि थोड़ा प्रेशर ज़्यादा चल रहा था, पढ़ाइयों का वगैरह वगैरह चीज़ें बहुत सारी हो रही थी। फिर भी कुछ दिन से थोड़ा आराम आया है और थोड़ा प्रेशर कम हो गया। अब हमारे एक हफ्ते बाद है थोड़ा मिड टर्म का, तो आज क्योंकि यहाँ पे दिवाली फेस्टिवल हो रहा है सिटी में, तो उस चीज़ का हम व्लॉग बना रहे हैं। और अभी चलेंगे, सारे दोस्त आ चुके हैं। कल रात को हमारी एक दिवाली पार्टी थी कॉलेज की, वो मैं व्लॉग नहीं कर पाया, अफसोस, क्योंकि मैं शुरू करना भूल गया था और काफ़ी रात रात का भी सीन था, तो इसलिए वो नहीं हो पाया। बट ये वाला हम व्लॉग कर लेंगे। तो अभी हम निकल चुके हैं बस घर से, और तैयारी में ये भी है कि सुबह से हम पढ़ रहे थे और थोड़ा लेट भी मैं उठा था आज, क्योंकि कल रात को लेट हो गया था आते आते। मतलब मैं 2-2.5 बजे की बस से आया था, उसके बाद भी एक बस और यहाँ चल रही थी। मौसम में पहले से यहाँ फ़र्क आ चुका है, ठंड कंपेरेटिवली कम हो चुकी है थोड़ी, बट शाम को बहुत तेज़ ठंडी हवाएँ चलनी शुरू हो जाती हैं। और यही सारी चीज़ें चल रही हैं। कुछ अपडेट्स दे देता हूँ, पिछले 2 हफ्ते में क्या हुआ है। पहले तो मुझे पंजाब सोसाइटी जो कॉलेज में है उसका ट्रेजरर बना दिया गया है, और ऑकलैंड यूनिवर्सिटी इंडियन डांस स्कूल का वाइस प्रेसिडेंट भी बना दिया गया है, तो सही है। कल पता नहीं अपने घुंघरू तोड़ दिए नाच नाच के मैंने, कि अब चलने की हालत भी नहीं हो पा रही, ऐसे झूल झूल के चलता हुआ जा रहा हूँ। बट वो भी इसी वजह से हुआ है क्योंकि कल ज़्यादा डांस कर दिया, मैं बहुत ज़्यादा खुश था। पूरी इंडियन पार्टी थी और मेरे को था कि बस मैं फ्लोर फाड़ दो आज। सारे दोस्त साथ थे, अब सारे दोस्त सारा ग्रुप साथ होता है तो फिर तो अलग ही मज़ा ही कुछ आ जाता, इसलिए फिर कल बहुत ज़्यादा डांसिंग हो गई है, जिसके कारण थोड़ा सा हाल टाइट है बस, बट ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। थके हुए हैं आज, एक दो बंदे शायद इसलिए कम भी आए। एक आध चीज़ ऐसी भी है कि कल हमसे साउथ मिलेगा जो हमारे साथ जाएगा लाइसेंस का टेस्ट देने, और वो स्कूटी ये खरीद चुका है यहाँ पे, तो इसलिए बहुत सुबह वहाँ गया हुआ था, इसलिए आज वो ज़्यादा थका हुआ है, इसलिए वो शायद ना आए। बट बाकी सब लोग यहाँ होंगे। कल हमारे से थोड़ा सीन भी हो गया, प्रॉब्लम भी हो गई, और हमें पता लग गया कि न्यूजीलैंड में पासपोर्ट की अहमियत कितनी ज़्यादा है। यहाँ पे सिर्फ विशाल है, अभी बहुत प्यार हो गया है एकदम भाई की, भाई की मंगनी करा सकता हूँ, इतना प्यार हुआ है अभी। डायरेक्ट शादी, मंगनी में डायरेक्ट शादी। तो बट प्रॉब्लम ये है कि अभी तक ये लोग आए नहीं है, बाकी जो हमारे ग्रुप के जानवर है ना वो सारे सक्षम और प्रतीक के घर वहाँ पे करवा चौथ की तैयारियाँ कर रहे हैं। पता नहीं क्या है आज उन्होंने किसको देख के अपने व्रत तोड़ने हैं। बट भाई कल से हम ये सेम गाने 20 बार सुन चुके हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कुछ थी, बट बाकी रिपीट होए जा रहे हैं गाने, तो हम थक गए तो हम सेट वॉक करने आ गए हैं। बस 10 मिनट में सर वो लोग भी पहुंच जाएंगे, फिर तो थोड़ा एक बार खाने के स्टॉल इनको एक्सप्लोर करवा देंगे, हम तो कर चुके हैं। भाई बता दो कितने का गोला मिल रहा है। भाई $10 का गोला, जो हम ₹10 में लेते हैं यहाँ पे $10 ₹500। भाई क्या फ़ायदा भाई, वो भी एक फ्लेवर, कितने फ्लेवर मिलते हैं? एक ही फ्लेवर भाई, हम इंडिया में लेते हैं ₹15 की 10 फ्लेवर ले सकते हैं, यहाँ पे $10 की एक फ्लेवर मिलती है, तो क्या फ़ायदा बताओ। इसलिए अपन तब से यहाँ घूम रहे हैं, कुछ खा नहीं रहे, बट थोड़ी देर बाहर आए हैं, उनका वेट कर रहे हैं। वो लोग जैसे ही आ जाएंगे फिर उसके बाद उनके साथ उनको एक बार विंडो शॉपिंग करा देंगे खाने की उनको भी फिर उसके बाद देखते हैं आज क्या कर सकते हैं। हाँ, ये न्यूजीलैंड पुलिस का कोई डांस है जिसके लिए विशाल भाई बहुत एक्साइटेड चल रहे हैं। भाई घोड़े नाचेंगे आज इन दिन गाने में। तो भाई वो हुड़ हुड़ दबंग थोड़ी करेंगे, तो इतना एक्साइटेड है क्यों, मेरे को तो ये जानना है। घोड़े ही करेंगे ना, ये कंपटीशन कराना चाह रहे हैं न्यूजीलैंड पुलिस का, जितने इंडियन डांसर्स आना उनसे, और इनको लग रहा है सलमान खान वाली परफॉर्मेंस होने वाली है यहाँ पे। सूर्य भाई व्हाट इज दिस पाव भाजी, विशाल भाई उन्होंने दोनों ने खाई है। थ्रो दिस भाई काम है, ग्रीन में, ग्रीन में, ग्रीन में। डांस शुरू हो गया इनका, तुमसे मिलके दिल के हाल पे नाच रही है पुलिस। दुश्मन की हमने हिफाजत की।
इन क्रुशकिनो जानिए ने पर्स तो पेरिस से मंगाया वैलेंटिनो भाई। सारे जितने पुलिस पुलिस में है ना एक तो अपना सूर्य को वहाँ वॉलंटियर कर रहा है, कूड़े वाला नहीं बोलेंगे उसको, कूड़े वाला भाई वो कूड़े वाला नहीं है, इको वॉरियर, इको वॉरियर, इको वॉरियर। एक जो इन्होंने डांस करा भाई, सारे ऐसे बंदे बहुत टॉप के हैं, हमारे दोस्तों को ढूंढ ले। राम दादे लेट आया, फोटो ले रहा फिर भी। चावल खाए अभी सूर्य सूर्य कूड़े वाला लगा हुआ है, वॉलंटियर लगा हुआ है, इको वॉरियर वो वहाँ पे कूड़े की नौकरी कर रहा है। अबे खाना खिलाया भाई, पावा जी खिलाइए, $10 की चीज फ्री में खिला रहा है भाई, और क्या चाहिए। 9 बजे तक रुको, विंडो पावर ले आया भाई, इधर इधर भी इधर भी, ये तो क्या हल्दी, ये नहीं हटा कर लो हल्दी, ना पूरी विंडो शॉपिंग करी सारी मेन्यू की, हर चीज $10 भाई, सब $10 की है भाई, $15 का गोला $10 की है, 10 का लेकिन रोस्ट फ्लेवर भरा गया भाई, 10 भी लूंगा मैं, 10 भी नहीं दूंगा। रोस्ट कौन खाते यार, काला कट्टा खाते हैं। 10 डॉलर हाथ नीचे, $10 हाथ नहीं मिलाना, वो तो नहीं है। सबसे सस्ता $5 के 3 गुलाब जामुन, दैट इज द चीपेस्ट। हमारा कोई है और कितना साउथ तो आएगा नहीं, साउथ ही है। ये मौरी का है, ये तो टिपिकल मौरी है। सूर्या भाई, सूर्या भाई, आपको किसमें डालना, ग्रीन में, येलो में, रेड में? अरे भागे भाई, वो गलत में डाल रही, रोक गलत में डाल रहा हूँ। अरे मर गया वो बंदे, ओ शिट, अरे यही का मैं सही जगह डाल दो, बस यही है। हाँ यही है, सही जगह डाल दो। हमें तो भाई अनलिमिटेड मिलता है खाना भाई, प्लीज इधर करवा दो यार थोड़ा भाई, पहले आना था इसको, मैंने खिला दिया। पाव भाजी अभी सूर्या की जगह सूर्यांशी होती, दो यहाँ छुपा लेते तो बढ़िया होता भाई। कुछ खाना नहीं रिकॉर्ड कर पाए, भी खाई, बिल्कुल खाई, फ्राई भी खाए, अच्छे से फ्राई भी खाए, जलेबी भी खाए, जलेबी खाई, जलेबी खाई, स्प्रिंग रोल आए, दोनों नहीं खाए, हमने बहुत कुछ खाया। इन सब के पैसे नहीं देने हैं ना, इन सब पैसे क्योंकि मैंने दिए हैं, हम लोगों ने दिए हैं, मैंने भी दिए हैं, हम दिए हैं। तुम्हारा पेट में छेद हो जाए, जो हमने पाव भाजी बनाई थी ना वो इतनी ज्यादा बढ़िया थी ना भाई, लेकर मानसी के बैठा अभी मैंने सब, अभी यही बात हुई है, नेक्स्ट ईयर लगाएंगे, नेक्स्ट ईयर लगाएंगे, नहीं नहीं नेक्स्ट ईयर देने, नेक्स्ट ईयर देने, स्वीट खीर बनाएगी श्रेया, मैं नेक्स्ट ईयर लगा दूंगा, ओए खीर का खीर पे इन्वेस्टमेंट मैं करूंगा, कुछ खीर खीर पे इन्वेस्टमेंट, तू किचन से दूर रहेगा, मैं तू पूरे का पूरा स्टॉल चला देगा, तू काउंटर पे रहेगा, ऐसा स्टॉल चला देगा, खीर नहीं नहीं ये बाहर चलाएगा, छोले भटूरे बनाना, छोले भटूरे बनाना, 10 के 10 के 10 के हेलो
सबसे बढ़िया तो तेरी टैलेंट है जो तू बता रहा है। हाँ डर लग रहा है अभी सही में यार, मजाक नहीं कर रहा। ये देखो क्या करती है, क्या करती हो भाई, रात को आके ऐसा नॉक करती है, बोल रहा है कि माय फादर इज गोना कम बीट मी अप। हां मीज है तोमा, वो वाला सीन आ गया मुझे तो भाई, उससे भी खराब था भाई। बोल रही है कि माय फादर विल कम, ही हैज अ हिस्ट्री ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, ही इज कमिंग टू न्यूजीलैंड, ही इज कमिंग टू बीट मी अप, आई डोंट वांट टू स्टे विद हिम, ही इज कमिंग टू माय होम। मैंने पूछा डोमेस्टिक वायलेंस है क्या? हाँ, he beats me up, he beats my sister, he beats my mom. मैंने कहा ठीक है पुलिस बुलाना, I talk to police, but police hung on me, बोली बोल रही थी कि न्यूजीलैंड आके वहाँ की कंप्लेंट क्यों कर रही है। हाँ पता नहीं यार, बता रही है my father is gonna take a flight tomorrow, he's gonna come. मेंटल पेशेंट है। आज पता चला, पता नहीं थोड़ा प्रॉब्लम है उसको, मैं सारा प्रॉब्लम तेरे पे निकाल देगी। मेरे को डर लग रहा है, मैं इंडिया जाऊं और मेरे कमरे पे रात को कोई 12 बजे मैं धर 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 पीट रहा हूं अमीज है तुम्हार भाई साहब। शिट भाई बेना ध्यान रख, अपना पासपोर्ट पैसे सब रूम में रखता, लॉक भी नहीं है। उसने बताया नहीं कि बताया कि भैया नहीं 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 वे अपने टेनेंट बोली कि हेड टेनेंट बोली कि भाई ठीक सही बन गई है कोई टेंशन नहीं। आज बोल रही है भाई थोड़ा प्रॉब्लम है उसको, भाई मैं क्या करूं। और वो ऐसी जगह इतने डॉलर देखे भी पता नहीं क्या क्या फैसिलिटी एक नहीं उल्टे सीधी चीज़ भाई, ये तो भाई हॉरर फैसिलिटी दे दिया यार। कह रहे कि भाई सो के क्या करना, हैपनिंग नाइट्स बनाएंगे आपके न्यूजीलैंड में, आए एक बार न्यूजीलैंड आइए। ओ भाई अगर $300 देकर आइए रूम में भाई, क्या पता मैं मर जाऊं कल। सही कह रहा है, रूम में सही कह रहा भाई, लाश में नहीं पूछेगा भाई तेरा अंतिम दिन। तेरे को कह रहा हूं कि यार मेरे को डर लग रहा है यार। नहीं कोई नहीं भाई, अभी मैं ना इतनी देर बात कर रहा था ना फोन पे, वही कर रहा था, अब वो बता रही है ही हैड अ वेरी हैसा प्रॉब्लम इट सीम्स। मैंने कहा व्हाट प्रॉब्लम, हर ब्रदर इन लॉ वाज टॉकिंग दैट शी हैड शी डिडंट हैव अ मेडिसिन। व्हाट मेडिसिन, सीम्स लाइक शी हैज सम मेंटल इश्यू। मेरे को घर नहीं जाना, मैं तेरे साथ रह रहा हूं। चला निकल, तेरे पास अंश होंगे उस लड़की के, तू भाई उसके कमरे पीटती है तेरे, तेरे अंदर उसके हल्का सा भी अगर वो आ गया ना भाव, मेरे आओ भाव खराब कर देगा तू। मैं ना हाफ नहीं करता पैंट, बस पैंट पहनने वाला तो अंदर आके कर रही है आई एम स्कैर्ड ऑफ माय डैड, आई ही इज कमिंग टू बीट मी अप, ऐसे बोल रही है। मैंने ना मैं क्या कर भाई, नॉट बोल आई एम आल्सो स्कैर्ड ऑफ योर डैड। वो आएगा मेरे हमारे साथ आएगा और यहाँ मेरे साथ रहेगा, मेरे को बहुत मारेगा। मैंने कहा गेटेड कम्युनिटी है, कोड है, घर के भी कोड है, गेट के भी कोड है, अंदर कैसे आएगा। बाप है भाई, कैसी बात कर रहा है, बाप अंदर नहीं आ पाएगा भाई, बेवकूफ आदमी कह रहे गेटेड कम्युनिटी कैसा है, बाप है उसका। फिर भी उसके लिए ना कोड के लिए हेड टेनेंट से पूछना है। तो भाई मैंने कहा कि हेड टेनेंट से पूछ के ही अंदर आ सकते हैं वो, बता दी न्यू नो 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 ही मैं वो सही कह रही है, उल्टा उसका बाप आके तुझे भी मारेगा भाई। तू ज्यादा सुन रहा ना उसकी बात, तू भी पिटेगा, तू भी पिटेगा बाप बेटी ना। जाट बाप उसको तेरे को भी मारेगा भाई। देख तू भाई तू गया, अब तूने जाट क्यों रहा है, जाटों में पंगा ले लिया तूने।